इंडियन कार मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है और पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है। इसमें बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है और हाई डिमांड के कारण बहुत सारी कंपनियों की वेटिंग पीरियड महीनों से लेकर सालों तक पहुंच जाते हैं। तो हम आज इस वीडियो में टॉप 10 मोस्ट वेटिंग पीरियड वाली गाड़ियों के बारे में जानेंगे। नंबर 10 पर ग्रैंड विटारा। मारुति सुजुकी ने पहली बार अपनी मिड साइज एसयूवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है और ग्रैंड विटारा काफी फीचर रिच गाड़ी है और इसकी सबसे बड़ी खूबी है उसकी माइलेज। और ग्रैंड विटारा की इन्हें सारी खूबियों के कारण उसका वेटिंग पीरियड 7 महीने तक पहुंच गया है। और प्राइस की बात करें तो 10,45,000 एक्सचेंज से ग्रैंड विटारा स्टार्ट होती है। नंबर 2 पर हुंडई क्रेटा। क्रेटा की नई जनरेशन इंडियन मार्केट में लगभग 2 साल से जवान हो गया है और इसकी जबरदस्त लुक्स और इंजन के कारण क्रेटा के लॉन्च होने के 2 साल बाद भी इस पर 8 महीने का वेटिंग पीरियड है। प्राइस की बात करें तो 11,55,000 एक्शन से स्टार्ट होती है। नंबर 8 पर है किया सोनेट। यह सोनेट एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है और ये पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है और इंडियन मार्केट में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का क्रेज पीक पर है। इस सभी कारणों से किया सोनेट में आपको 9 महीने का वेटिंग पीरियड मिलता है। प्राइस की बात करें तो 7,70,000 एक्सचेंज से यह सोनेट स्टार्ट होती है। नंबर 7 पर है ब्रेजा। ब्रेजा का है वही हाल है, मारुति गाड़ी है और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, इस कारणों से इसकी वेटिंग पीरियड 9 महीनों तक पहुंच गई है। प्राइस की बात करें तो 8,18,000 एक्सचेंज स्टार्ट होती है। नंबर 6 पर है किया कैनेंस। यह कैनेंस एक 7 सीटर एमपीवी है और यह अर्टिगा से राइवल करती है और पेट्रोल डीजल दोनों में आती है और कैनेंस एक प्रैक्टिकल फैमिली कार है। ये सब कारण से किया कैनेंस का वेटिंग पीरियड 11 महीने तक पहुंच गया है। और प्राइस की बात करें तो 10,20,000 एक्सचेंज स्टार्ट होती है। नंबर 5 पर है महिंद्रा एक्स्यूवी 700 जिस पर 11 महीनों का वेटिंग पीरियड है और ये वेटिंग पीरियड को ही वो सब आप जानते ही और अब अपडेटेड हैरियर और सफारी को भी लॉन्च किया है तो देखते हैं एक्सयूवी का वेटिंग पीरियड कम होता है या नहीं। और प्राइस की बात करें तो एक्सयूवी 700 11,45,000 एक्सचेंज से स्टार्ट होती है। नंबर 4 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो जिस पर 11 महीने का वेटिंग पीरियड है। इस पर वही किसी भी कारण लागू होते हैं जैसे कि हाई डिमांड और लो प्रोडक्शन कैपेसिटी और ऊपर से स्कॉर्पियो का क्रेज, इस सभी कारणों से स्कॉर्पियो में आपको काफी लंबा वेटिंग पीरियड मिलता है। और प्राइस की बात करें तो 11,99,000 एक्सचेंज से स्कॉर्पियो स्टार्ट होती है। टोयोटा हाईराइडर पर आपको 15 महीने तक वेटिंग पीरियड मिलता है और ग्रैंड विटारा हाईराइडर एक ही गाड़ी है और ग्रैंड विटारा पर आपको 7 महीने तक वेटिंग पीरियड मिलता है, वही हाईराइडर पर 15 महीने का वेटिंग पीरियड मिलता है। इसकी बहुत बड़ी वजह है टोयोटा की लो प्रोडक्शन कैपेसिटी। और प्राइस की बात करें और प्राइस की बात करें तो 10,48,000 एक्सचेंज से स्टार्ट होती है। नंबर 2 पर है महिंद्रा थार। महिंद्रा थार का भोकाल इंडियन मार्केट में पहले से ही है और ये जब से लॉन्च हुई तब तक रुपया डिलीवरी नहीं हो पा रही है। ऊपर से महिंद्रा ने इस पे 2 व्हील ड्राइव को लॉन्च कर दिया है। सब कारण से महिंद्रा थार का वेटिंग पीरियड 17 महीने तक पहुंच गए। और प्राइस की बात करें 9,99,000 एक्सक्लूसिव महिंद्रा थार स्टार्ट हो जाती है। और इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड वाली गाड़ी इनोवा हाईक्रॉस जिस पर 18 महीने तक वेटिंग पीरियड मिलता है।